दोस्तों, आपकी आँख में भी धूल हो सकती है। अब ये करने वाले अपना अलग अलग टैलेंट लेकर घूमते हैं। मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, मैंने भी मोबाइल रिपेयर कराया था, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि उस बंदे ने जो रिपेयर करने वाला है मेरी आँखों में धूल कर दी। ये आप समझ सकते हैं कि एक मुहावरा होता है कि आँखों में धूल झोंक देना, तो उसने वही काम किया है। तो ये क्या सारा माजरा था, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अगर रिपेयर कराना है अपना मोबाइल तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है जिसकी वजह से आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि अगर आप अपना मोबाइल रिपेयर कराना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे आपको एक बेहतर इक्विपमेंट मिलेगा, एक सही नॉलेज आपको हो जाएगी कि आपको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है और किस तरीके से आपको अपने पार्ट्स या जो भी चीज़ आप रिपेयर करवाना चाहते हैं उस पर ध्यान दे पाए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। मैं मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस्ट चैनल। अपने आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप जो भी अपना मोबाइल रिपेयर कराना चाहते हैं, क्योंकि मोबाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम आती रहती है किसी ना किसी तरीके से, जैसे कि उसकी डिस्प्ले टूट जाना। मेरे साथ ये सेम इंसिडेंट हुआ था कि मेरी डिस्प्ले टूट गई थी। इसके अलावा स्पीकर से रिलेटेड इश्यूज़ आते रहते हैं, चार्जिंग से रिलेटेड होते हैं, या फिर आप फ़ोन का जो जेक होता है 3.5 mm वाला उसकी वजह से हो जाते हैं, या फिर ईयर पीस होता है ऊपर का उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो जिसकी वजह से आपको रिपेयर कराने का सोचना होता है। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको जो भी आपका सेट है यानी जो भी आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखना होता है कि अगर आपका वो वारंटी में है तो मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा उसे सबसे पहले आपके पास उसका बिल होना चाहिए और आप उसके सर्विस सेंटर पर जाएं। ये आपकी वारंटी की बात होगी। अगर आपकी वारंटी नहीं है आपके मोबाइल की तो आप उस केस में क्या करेंगे, तो तब भी आपको सर्विस सेंटर ही रिकमेंड करूंगा। लेकिन सर्विस सेंटर के बारे में भी आपको फीडबैक का पता होना चाहिए कि वो जो सर्विस सेंटर पर सेट दिए जाते हैं जो आप रिपेयर करवाने वाले हैं वारंटी के बाद, तो वो सही तरीके से रिपेयर करके देता है या नहीं। क्योंकि बहुत से सर्विस सेंटर इस तरीके से खुले हुए हैं कि वहां पर सिर्फ नाम के सर्विस सेंटर हैं जबकि अंदर जो है वो लूटने का काम करते हैं। तो आपको सबसे पहले उसकी इंक्वायरी कर लेनी है। जो भी आप अपना प्रोडक्ट और इसके अंदर इक्विपमेंट खराब होते हैं जैसे कि स्पीकर है, डिस्प्ले हो सकती है, तो आपको 3-4 जगह उसके रेट मालूम कर लेने हैं। जब प्राइस आपको लगे सही है तो जब आपको सर्विस सेंटर में जाना है, और सर्विस सेंटर में जाने के बाद अगर वो प्राइस थोड़े बहुत ऊपर बताएं तो आपको करा लेना है। उससे यह होता है कि एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि सही बंदे के हाथ में आपका जो है फोन जा रहा है। इसके अलावा अगर आप कहीं से भी कराते हैं तो उसका भी फीडबैक लेना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो भी आपका मोबाइल रिपेयर करता है वो सही तरीके का काम करता है या नहीं है। क्योंकि आजकल जो शॉप खोलकर बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो या कह सकते हैं ज्यादातर लोग, उन्होंने बस कहीं से कुछ सीख लिया है और सोल्डरिंग वगैरह करके छोटे मोटे काम करके अपने आप को जो है वो एक इंजीनियर समझ लेते हैं या टेक्नीशियन समझने लगते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। उन्हें नॉलेज होती है स्पीकर की या फिर चार्जिंग जैक से रिलेटेड। उसका जो मेन काम होता है वो होता है आपके मदरबोर्ड का, यानी जो भी पीसीबी आपके फोन के अंदर यूज हो रही है, अगर कोई से जानने वाला है कि जो उसे रिपेयर कर सकता है तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपको सही तरीके का जो है वो सर्विस प्रोवाइड करा सके। अगर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो करता है और काफी टाइम हो गया है तो उसी के हाथों में अपना फोन आपको देना है। दूसरी बात, आपको क्या ट्राई करना है कि उसके अंदर जो भी आप रिपेयर करा रहे हैं आप कोशिश करें कि वो सारी चीज़ें आपके सामने करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादातर केस में देखने को मिलता है कि जो भी आपका चीज रिपेयर करता है वो कुछ चीज आपकी इधर से उधर कर देता है, जैसे कि पार्ट्स को बदल भी सकता है या फिर जो स्क्रूज अंदर लगाए जा रहे हैं उसे कम कर देता है, और बाद में कहता है ये खो गया। कि लापरवाही इंसान की पहचान है। इस तरह से आपको बचना चाहिए अगर आप किसी ऐसे बंदे से रिपेयर कराते हैं तो। इसके अलावा अगर आप अपने सेट के जो भी पार्ट्स होते हैं आप उसका मार्केट में रेट ट्राई करें, अगर वो उसी रेट पे कर रहा है, उससे कम पे कर रहा है, तो एक बार ये चीज जरूर चेक कर ले कि वो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहा है या फिर वो लोकल डाल रहा है। अगर लोकल डाल रहा है तो प्राइस उसी के हिसाब से होनी चाहिए। ये ना हो कि आपको ओरिजिनल बताकर लोकल जो है वो आपके मोबाइल के अंदर फिट कर दी जाए, क्योंकि बहुत से इस तरह के केस भी देखने को मिले हैं कि आपको जो है लोकल चीज पकड़वा दी जाती है ओरिजिनल बोलकर। तो आपको ओरिजिनल चीज ही देखने को मिलनी चाहिए। इसके अलावा ये भी चेक कर लें कि जो भी पार्ट्स आपके पुराने निकलते हैं तो वो उसका कोई प्राइस आपको दे रहा है या नहीं, क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जब आप उसके पास खोलवाते हैं कुछ सामान तो वो ये भी बताता है कि ये भी चेंज करा लो, जिससे वो आपके पैसे बढ़ाता चला जाता है। उसमें क्या होता है कि जो पुरानी चीजें होती है वो अपने पास रख लेता है, जिससे
वो आगे अपना प्रॉफिट कमाता रहता है जबकि आपको उसका लॉस हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपके जो भी पुरानी चीजें होती हैं उससे पूछ लीजिए कि आप हमारे पुराने सामान का क्या देने वाले हैं, कुछ कम कर रहा है तो ठीक है, वरना तो आप अपना पुराना सामान वापस लेकर आ सकते हैं। तो ये थी सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी थी। अब मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ है। मेरी इसकी डिस्प्ले टूट गई थी, मैंने आपको जैसा रिकमेंड किया कि सर्विस सेंटर पर कराने लेना चाहिए, लेकिन जब सर्विस सेंटर पर मैंने पूछा तो वहां पर मुझे इसके डिस्प्ले नहीं मिली और मैंने फिर वेट किया कि चलो आ जाएगी, फिर भी नहीं आई। तो मेरा काम नहीं चल पा रहा था क्योंकि जब इसके डिस्प्ले टूट जाती है, अगर ये पानी के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो इससे डिस्प्ले ऑटोमेटिक चलने लगती है, तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इसी वजह से मैं अपने मोबाइल को रिपेयर कराने के लिए करोल बाग चला गया था। वहां पर जाने के बाद क्या हुआ कि मैंने अपने डिस्प्ले का रेट पूछा, जैसे जो मेरे जानने वाले थे मैंने वहां पर भी पूछा, तो उन्होंने कहा हमारे पास पार्ट्स नहीं होते हैं। मैंने कहा आप अवेलेबल करा दीजिए, उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। इसी वजह से मैंने करोल बाग में एक जो शॉप बाहर लगाकर अपना ठिया बोलते हैं उसको, वो लगाकर बैठा हुआ था, मैंने वहां पर रिपेयर कराने के लिए दे दिया। प्राइस बताया उसने कि डिस्प्ले में इतने लगेंगे, इसके अलावा स्पीकर में भी प्रॉब्लम थी, मैंने वो भी चेंज कराया। तो ओवरऑल जो है मेरा 2,500 से 3,000 रुपए तक के बीच का जो है वो खर्चा आ गया था, वो मैंने दे दिया। अब क्या हुआ कि जब मैंने उससे कहा कि सारी चीज रिपेयर कर दिया, उसने पहले कम बताए, फिर ये बताया कि ये वाला पार्ट्स भी चेंज करा लो, इतने में फर्क आ रहा है, आपको थोड़े पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद बताता चला गया, उसने मेरा बिल बिठा दिया ठीक ठाक। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे जेन्युइन प्रोडक्ट मिलना चाहिए था जिसके पैसे मैं दे रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पैसे किसी और चीज के लिए दे रहा हूँ, मुझे कुछ और चीज मिल जाए। वो चीज मुझे मिल गई है, सब कुछ ओके है, सही चल रहा है अभी तक। अब क्या हुआ कि जब उसके जो पार्ट्स थे पुराने जो निकले, तो मैंने उससे कहा कि वो मुझे दे दे। डिस्प्ले के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी, अगर आप उसे किसी अच्छे टेक्नीशियन को दिखा रहे हैं तो अगर वो ठीक कर सके तो डिस्प्ले ठीक भी हो जाती है। ऊपर का कांच अगर ब्रेक हो जाता है वो तो चेंज हो जाता है। मैंने उससे डिस्प्ले, उसका एक बोर्ड होता है जिस पर वो लगती है, इसके अलावा एक स्पीकर पुराना मांग लिया। और पुराना मांगने के बाद उसने क्या करा, उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। धूल किस तरीके से झोंकी, क्या मैंने उससे पुराने पार्ट्स मांगे तो उसने कहने लगा कि ये आप क्या करेंगे, ये क्या करेंगे। मैंने कहा मुझे जरूरत है, मुझे अपने फादर को दिखानी है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट नहीं बोल सकता था कि मैंने उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने हैं या फिर कोई मेरा मोबाइल शॉप वाला जानने वाला है, मैं उसके साथ कुछ उसमें डिस्प्ले में कुछ कर सकता हूँ जुगाड़ सा। तो उसने क्या किया कि लाओ मैं आपको देता हूँ अपनी जो भी चीजें हैं पुरानी, मैं पैक करके देने की बजाय उसने काउंटर से दूसरी वाली डिस्प्ले निकाल कर मेरी उसमें पॉकेट में डाल दी जो प्लास्टिक की उसने दी थी मेरे को, और उसके बाद जो है वो सारी चीज मुझे दे दी। और ये चीज मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चली, जो उससे 60-70 किलोमीटर दूर है, मैं गया था चलकर वहां पर, मैं वापस नहीं जा सकता था। तो मेरे साथ इस तरह का इंसिडेंट हुआ। हालांकि मैं इन सारी चीजों पर ध्यान देता हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी की वजह से ये सारी चीजें मेरे साथ हुई। तो इस तरह से लोग आपकी जो है आंखों में धूल झोंक देते हैं। अगर आपको भी इससे बचना है तो जो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है आपको उसे फॉलो करना है, जिससे आपके साथ किसी तरह का कोई इंसिडेंट नहीं होगा और आप अच्छा मोबाइल रिपेयर करा सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे वीडियो को देखने के बाद अपने मोबाइल के साथ जो भी रिपेयर कराना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से रिपेयर करा पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया हैंडल मिल रहे होंगे, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। थैंक यू। Thank you.